हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियोस कैसे हैं कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार आलम या नबी सुपर अता फरमाए। हुजूर ने पूछा जिब्राइल, जिब्राइल अपना जलवा ना जलवा दिखाओ, अपना जलवा ना जलवा दिखाओ। जिब्राइल ने फरमाया यार एक पर मैं खोल दूं, मैं खोल दूं मशरिक और एक पर एक पर खोल दूं तो मगरिब सारा सारा जाएगा। अगर मुझे आप जो है मेरा जलवा जलवा देखना चाहते हैं, सिदरतुल सिदरतुल मुंतहा पर आइए। लेकिन हजरत जिब्राइल के लिए मौलाना रूम फरमाते हैं कि अगर मुस्तफा जान रहमत जिब्राइल के पूछने पर कि या रसूल अल्लाह अपना जलवा दिखाइए, अगर मेरे मुस्तफा अपने नूर के 70,000 पर्दों में से एक पर्दा भी हटा देते तो कयामत तक जिब्राइल बेहोश नजर आते, कयामत तक जिब्राइल बेहोश नजर आते। ये हुस्न व जमाल परवरदिगार आलम ने हुजूर को अता फरमाया। फरमाते हैं कि अपना मेयार हम जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई और नहीं है, हमारा महबूब खुदा का महबूब है। हम रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और यही मोहब्बत ईमान की अलामत है और हद से ज्यादा मोहब्बत कमाल ईमान की अलामत है। फरमाते हैं सुनिए और एक हदीस में बुखारी शरीफ की आपके सामने रख रहा हूँ जो कि आपके ईमान को ताजा करता है। फरमाते हैं कि बिस्तरे अलालत पर जब 17 नमाजें सिद्दीक अकबर ने पढ़ाई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में थे और सिद्दीक अकबर ये 17 नमाजें पढ़ाए, एक मकाम ऐसा आया कि 3 दिन तक सहाबा इकराम ने ना हुजूर को देखा और ना हुजूर ने सहाबा को देखा। और सहाबा इकराम जो सुबह शाम हुजूर को देखने वाले, जब हुजूर को नहीं पाए तो वो भूखे प्यासे, न खाने की उन्हें कोई ख्वाहिश, न पीने की उन्हें ख्वाहिश, जीने की तमन्ना उन्होंने छोड़ दिया। क्या जीने का कोई मसला ही नहीं, जीने का कोई मकसद ही नहीं अगर हुजूर नहीं नजर आया। 3 दिन से हुजूर को उन्होंने नहीं देखा था। हुजूर बिस्तर अदालत पर सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे थे, सारी नमाजें सिद्दीक अकबर ने पढ़ाई। अब बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए कि एक मकाम ऐसा है कि सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबा इकराम पीछे नमाज पढ़ रहे थे, हुजरे रसूल मस्जिद नबी से लगा हुआ है। अब एक मकाम ऐसा है कि सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, ऐन हालत की नमाज में हुजूर ने अपने हुजरे का पर्दा हटाया। सुभान अल्लाह, हुजूर ने जब अपने हुजरे का पर्दा हटाया चेहरे मुस्तफा से सारी मस्जिद नबी रोशन हो गई। सुभान अल्लाह, जब चेहरे मुस्तफा से सारी मस्जिद नबी रोशन हो गई तो सहाबा इकराम ने देखा कि हुजूर ने पर्दा हटाया, अब रुखे मुस्तफा का दीदार होगा। जो 3 दिन से सहाबा ने हुजूर को नहीं देखा, अब हुजूर को देखना चाह रहे हैं। फरमाते हैं कि हालत नमाज में और नमाज में क़िबला बदल गया तो नमाज फासिद हो जाती है, नमाज टूट जाती है। इससे पहले वाली हदीस में भी आपने सुना, अब हालत नमाज में सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे, हालत नमाज में सहाबा ने रुख हुजूर की तरफ कर दिया। नमाज हुजूर सहाबा को देख रहे, सहाबा हुजूर को देख रहे, हुजूर सहाबा को देख रहे, सहाबा हुजूर को देख रहे हैं। फरमाते हैं हुजूर ने जब सहाबा को देखा, हुजूर मुस्कुराए तो सहाबा फरमाते हैं ऐसा लग रहा था कि खेल उठ रहा है। हुजूर सहाबा को देख रहे, सहाबा हुजूर को देख रहे, नमाज हो रही है, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ रहा है, मुस्तफा जान रहमत का चेहरा रोशन हो गया। अब यहां मुहदीसीन इकराम नहीं कहते हैं कि नमाज नमाज खुदा की हो रही थी, आदम मुस्तफा का हो रहा था, नमाज खुदा की हो रही थी, आदम तुम्हारी नमाज नहीं है। बच्चा मुसलमान हो गया है,
مدینے کے سارے لوگ سارے پتا چل گیا کہ ایک یہودی کا یہودی کا حضور کی محبت یہ اتنا دیوانہ ہو گیا کہ وہ مر گیا مر گیا اپنی جان اس سے دے دی کہتے ہیں کہ سب لوگوں سے دیو نیچے لے آ گئے گیا اور جب جنازہ رکھ رہا تھا اس کے جنازے سے جنازہ سے جاتا ہے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک نور اس کے چہرے سے چہرے آسمان تک پہنچتا ہے ہے فرماتے ہیں کہ حضور کو جو ہے بل اس کی جنازے میں چلتا ہوا چلتا ہوا دیکھا پوچھا یا رسول اللہ آپ جو ہے کمزور ہیں بل کیوں چل رہے ہیں حضور نے فرمایا فرشتے آ رہے ہیں کہ مجھے قلم رجل کر لیے جلا لیے گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جانے رحمت کی جو ہے محمد نے اپنی جان دینے والا یہ یہودی کا لڑکا قبر میں اسے اتار سے کے لیے نکلے اتار اتار جب حضور پہنچے فرماتے جب تاخیر ہوئی آنے آنے حضور کو واپس صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اتنی تاخیر کیوں کی قبر سے واپس آنے کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا جب میں نے اسے قبر سے اتارا تو میرے پسینے کے قطرات اس کے قفل پر پڑے تو اس کے لیے قبر جو ہے مشک ہو گئی مشک زیادہ سے زیادہ ہو گئی اور آسمان سے جنت کی ہوئی اس کی بنائے لینے کے لیے آگے میں نے رب کی میں نے رب کی پروردگار عالم رب العالمین قبر کی منزل سے لے کر جنت میں جانے کے لیے تاکہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں مجھے کہنے دے دو کہ یہ نام یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یا رسول اللہ یہ نام یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے دھولی میں دھولی میں آپ لے آ ہوتے دھولی میں دھولی میں تمہارے نہیں ہوتے عزیزان عزیزان ہوں گے یہ جو سب یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے یہ واقعہ